पर्वों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनसे न केवल हमारे जीवन की निराशा दूर होती है, अपितु जीवन में उल्लास, नव स्फूर्ति, नव चेतना तथा नव संदेश प्रेरणा भी प्राप्त होती है। समय समय पर आने वाले पर्व हमें अपनी संस्कृति, इतिहास तथा सामाजिक परंपराओं से जोड़े रखते हैं। पर्व अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें धार्मिक क्षेत्रीय स्थान पर होते हैं। धार्मिक पर्वों का संबंध किसी कार्य विशेष से जुड़ा होता है, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस इसी प्रकार के त्यौहार हैं। वैसाखी, पूर्णिमा, क्षेत्रीय पर्व इनके अलावा कुछ स्थानीय भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध पूरे राष्ट्र की ऐतिहासिक परंपराओं से होता है, वह राष्ट्रीय पर्व हैं। हाय, मेरा नाम है ऋषभ, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दिवाली। ज्योति पर है ज्योति जलाए, मन के तन को दूर भगाए, दीप जलेगा सबके घर पर, ज्योतन आंखें उनके घर पर, हर मन में जब दीप जलेगा तभी दिवाली पर मनेगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नव्यालन है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को काव्य मंथन प्रतियोगिता में रक्षाबंधन के ऊपर कविता सुनाने जा रही हूँ। हर सावन में आती राखी, बहना से मिलवाती राखी, चांद सितारों की चमकीली कलाई को कर जाती राखी, जो भूले से भी ना भूले, मन भावन शन लाती राखी, अटूट प्रेम का भाव धागे से हर घर में बिखराती राखी, सारी जबकि मूल्यवान चीजों से बढ़कर भाती राखी, सदा बहन की रक्षा करना हर भाई को बतलाती राखी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गौरवी चरण, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको तीज पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। देखो देखो आई तीज, त्योहारों की बोगई बीच, खुशियों का मौसम आया है, सबका मन ही हर्षाया है, नाचे गाए खुशी मनाए, देखो फिर से त्योहार आए, घेवर गुंजिया हम खाएंगे, मामा अब मिलने आएंगे, अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे, झूला डालकर हम झूलेंगे, मस्ती में मिलकर खेलेंगे, देखो देखो आई तीज, त्योहारों के बो गई बीज। धन्यवाद, हैप्पी तीज। राखी आई खुशियां लाई, बहन आज फूली न समाई, राखी रोली और मिठाई, सबसे थाली खूब सजाई, कान्हे भाई की कलाई पे धागा, लेती है ये भाई से वादा, राखी की लाज भी निभाना, बहन को कभी भूल न जाना, भाई देता बहन को वचन, तुम इसके सब कर लूं बहरन, भाई बहन को प्यारा है, राखी का त्योहार सबसे न्यारा है। ईसाई बने दुनिया में भाई बहन का रिश्ता बड़ा निराला होता है, जमीन सब रिश्तों से बढ़कर भाई बहन का रिश्ता प्यारा होता है, जमीन सब रिश्तों से बढ़कर भाई बहन का रिश्ता प्यारा होता है। रिश्तों की मर्यादा को जिस ओर से बांधा जाता है वह रक्षा सूत्र कहती है। इस रक्षा सूत्र को हर बहन ने अपने भाई की कलाई पर बांधा है और उससे अपनी रक्षा का वादा मांगा है भाई ने तो जब बहन पर विपदा आई है, भाई ने उसकी रक्षा कर अपना वादा निभाया है, भाई ने अपनी उसकी रक्षा कर अपना वादा निभाया है। और जब बैंक का विपदा आई है, भाई ने हर विपदा में बैंक इलाज बचाकर अपना फर्ज निभाया है, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम परिधि जैन है, मैं कक्षा 4 ब की छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है यह है त्योहारों का देश। यह है त्योहारों का देश, अपने मनहारों का देश, हरे लाल पीले रंगों वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला है कैसा प्यारा वेश। यह है त्योहारों का देश, सरसों की फूलों की माला, केले की पत्तों की दुशाला है इसका परिवेश। यह है त्योहारों का देश,
हिंदू मुस्लिम की टोली, ईद मिले सब खेले होली, आपस में हिल मिल रहने का देते हैं संदेश, यह है त्योहारों का देश। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, बैसाखी का मौसम, उत्सव यही बन रहा, कहीं नहीं है कलेश, यह है त्योहारों का देश। 26 जनवरी की झांकी, 15 अगस्त की परेड, देते हैं एकता का संदेश, यह है त्योहारों का देश। महक उठी सारी धरती, हरियाली है छाई, बसंत ऋतु की छाव में तीज है आई, लेके खुशियों का संदेश, यह है त्योहारों का देश। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरुष शर्मा है, मैं कक्षा चतुर्थ अ का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको राष्ट्रीय त्योहार पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है मेरा देश। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्याला मेरा देश, दुनिया जिस पे गर्व करे ऐसा सितारा मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, सफल सुनोना मेरा देश, गंगा जमुना की माला का फूलों वाला मेरा देश, आगे जाए मेरा देश, नित नए मुस्काए मेरा देश, इतिहासों में बढ़ चढ़ कर नाम लिखाए मेरा देश। जय हिंद। मेरा नाम अक्षत सिन्हा है और आज मैं आपको एक कविता त्योहारों पर सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मकर संक्रांति। सुंदर का शुभ पर्व, सुख और शांति, साल का पहला त्योहार होता है मकर संक्रांति। सुबह सवेरे हम नहाते, दान पुण्य है करते, मस्ती का है ये दिन, सारा दिन पतंग उड़ाते, कहीं फीनी कहीं तिल लड्डू हम मिलकर खाते, संक्रांति पर सूरज की राशि बदलती, ऐसी होती है मकर संक्रांति। मौसम में गर्मी आती, रंग बिरंगी पतंगे आसमान में खिलाती, सुंदर पतंगे सबको भाती, बच्चे और बड़ों को अपने पीछे है भगाती, ऐसी होती है मकर संक्रांति। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है जिगर गुप्ता, मैं कक्षा चतुर्थ अ में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, सरस्वती देवी का दिन, पीले कपड़े पीली साड़ी, पीला खाना खाने का दिन, सरस्वती देवी है इस दिन की सबसे खास, हर कोई जाता पूजन करने, मिटा के अपनी भूख और प्यास, बसंत ऋतु के चलते आता ये त्योहार, फूल खिलते सुंदर दिन पर आता सबको प्यार, खाओ पीला खाना और मीठा मीठा शहद, ऐसा खाना खाओगे तो मन भी जाएगा चहक, कुछ लोग रखते व्रत जिससे देवी को मिले सम्मान, आशीर्वाद मिले देवी का और मिले हमें ज्ञान, बसंत पंचमी, सरस्वती देवी का दिन, पीले कपड़े पीली साड़ी, पीला खाना खाने का दिन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लावण्य सिंह राणा है, मैं कक्षा चतुर्थ ब में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हमारे त्योहार। होली आई रंग बिरंगी होली आई, गुजिया खाओ रंग लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ, अमावस की रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली, दीप जलाओ मिठाइयाँ खाओ, पटाखों को न हाथ लगाओ, सब मिलजुल कर ईद मनाओ, हिल मिल सबको गले लगाओ, ईदी अब्बा से ले आओ, मीठी मीठी सेवइयां खाओ, गुरु पर्व की छटा निराली, गुरु की वाणी सबने मानी, नगर कीर्तन में सब जाओ, सब मिलजुल कर झूमो गाओ, क्रिसमस का त्योहार है आया, सेंटा क्लॉस उपहार है लाया, मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ, हम सबको करते हैं एक, प्यार बढ़ाते हैं त्योहार, दूरी सभी मिटा देते हैं, पास पास लाते त्योहार। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है वेलिका गुप्ता, मैं कक्षा चतुर्थ ब की छात्रा हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा
झंडा ऊंचा रहे हमारा। आजादी के भीषण रण में लखकर जोश भरे छन छन में कांपे शत्रुओं के कवन में मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ प्यारे वीरो आओ, देश जाति पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखा, तब होए पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पलाक्षी शर्मा है, मैं कक्षा पंचम सी की छात्रा हूँ। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और होली भाईचारे का त्योहार है। मेरी कविता का शीर्षक है होली आई। होली आई, होली आई, रंग बिरंगी होली आई, केसरिया रंग सिर पर डाला, तन मन केसर से रंग डाला, मिटा दिया चिंता का जाला, नहीं किसी के भीतर काला, मन का मैल मिटाने आई। होली आई, होली आई, मीठी बातों की पिचकारी, छोड़ रहे हैं सब नारी, गलियां हुई गुलाबी सारी, लगे मिठाई सबको प्यारी, प्यार की बौछारे संग लाई। होली, होली आई, होली आई, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आयाना जैन है, मैं कक्षा चतुर्थ सा की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक हिंदी की कविता, राखी आई। राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूली ना समाई, राखी रोली और मिठाई, इन सब से थाली खूब सजाई, बांधे भाई की कलाई पे धागा, भाई से लेती है यह वादा, राखी की लाज भैया ने बाना, बहना को कभी भूल ना जाना, भाई देता बहन को वचन, दुख उसके सब लूंगा हरण, भाई बहन को प्यारा है, राखी का त्योहार सबसे न्यारा है, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की खूब खूब बधाइयां। धन्यवाद। मेरा नाम कुश अग्रवाल है, मैं कक्षा चतुर्थ वा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है राखी का त्योहार है। राखी का त्योहार है, बहन भाई के लिए बहुत खास है, लाया खुशियों की बहार है, रेशम के धागे से बंधा प्यार है, बहन भाई को कुमकुम का तिलक लगाती है, अपने प्यारे हाथों से भाई को मिठाई खिलाती है, भाई की सुनी कलाई पर रेशम का धागा बांधती है, बदले में भाई से रक्षा का अनमोल वादा पाती है, भाई भी बहन के लिए सुंदर सुंदर तोहफे लाते हैं, तोहफों में क्या मिलने वाला है बहने उत्सुक रहती है, बहने भी भाई की सलामती की दुआ करती है, खुश रहो तुम सदा भैया यही प्रार्थना करती है, बहन भाई का एक दूसरे पर अटूट विश्वास होता है, रेशम के धागे से बंधा हुआ यह त्योहार है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दित्या शर्मा है, मैं कक्षा चतुर्थ स की छात्रा हूँ। आज मैं आपको आज़ादी पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है देश की बेटियाँ। देश में अगर बेटियाँ अपमानित है नशाद है, दिल पे रखे हाथ का ये देश वो आज़ाद है, जिनका पैदा होना ही अपशकुन है ना पाक है, और तो की जिंदगी क्या जिंदगानी खाक है, बेटा हो पैदा घर में खूब खुशियाँ मने, कोसी जाए माए जो गलती से बेटी को जन्मे, बेटे को दीपक कहे सम्मान दे, बस चले तो बेटियों को जान से ही मार दे, अपने ही आंगन में वो इंसाफ को तरसा करे, बेटी ऐसा पौधा है जिसे रोशनी ना जलिए, बेटी ऐसा फूल है जो खिल सकता है पर ना खिले, चूल्हा चौका चार दीवारी बचपन से सौंपे गए, ढेर जिम्मेदारियों के जबरन तो पे गए, क्या ये बचपन जवानी और नादानी है, बेटियां ना जान पाई मोहया मनमानी है। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम लेकिशा सिंह है, मैं कक्षा 5 सा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको किसी एक त्योहार की कविता सुनाने जा रही हूँ। क्या आप लोग बता सकते हो कौन सा त्योहार है? चलो मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ। सफेद
दाढ़ी, लाल टोपी, गोल मटोल है वो, सब बुलाते उसे सेंटा क्लॉस। बताओ कौन सा त्योहार है वो? जी हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है मैरी क्रिसमस। क्रिसमस आया, क्रिसमस आया, बच्चों का है मन ललचाए, सेंटा क्लॉस आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे। सेंटा क्लॉस ने दी आवाज, एनी आओ, पेनी आओ, जॉनी आओ, जॉन आओ, देखो देखो मैं आया हूँ, कितना सारा प्यार लेकर आया हूँ। मिलकर बनाएंगे ये त्योहार, क्रिसमस ट्री को सजाएंगे आज, यीशु का ये याद का दिन है, बच्चों का ये प्यार का दिन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अक्षत मिश्रा है, मैं कक्षा पांचवी का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माता के लाडले। चलिए आरंभ करते हैं। लोकतंत्र है आ गया, अब छोड़ो निराशा के विचार को, बस अधिकार की बात न सोचो, कब समझो कर्तव्य के भार को, बुलाने पाएगा काल प्रचंड एकता की आग को, शान से फैला कर तिरंगा बढ़ाएंगे देश की शान को, ऐसी उड़ान भरेंगे दुश्मन भी होगा मजबूर तालियां बजाने को, बीत जाएगा वक्त भले पर मिटा नहीं पाएगा देश के मान को, एकता ही संबल है तोड़ो झूठे अभिमान को, कंधे से कंधा मिलाकर चले और बढ़ा दे भारत माता के मान को, इंसानियत ही धर्म है बस छोड़ो झूठे अभिमान को, पखंडियों को छोड़कर प्यार करो हर एक इंसान को, देश है हम सबका बस याद रखो भारत माता के बलिदान को, नव युग है आ गया अब छोड़ो निराशा के विचार को। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अनिता, मैं कक्षा चौथी सी हूँ और आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको भाई बहन का अनोखा प्यार। भाई बहन यानी टॉम एंड जेरी, जैसी रोटी सब्जी साथ होते हैं वैसे भाई बहन के रिश्ते खास होते हैं। चोटी को लगती है तो रोते दोनों हैं, चूहे पीढ़ी की तरह लड़ते झगड़ते हैं भाई बहन यानी टॉम एंड जेरी। कच्चे धागे से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारत के होर है राखी, भाई की लंबी उम्र और दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र धुआं है राखी, भाई से बहन का रक्षा का वादा है राखी, लोहे से भी मजबूत एक धागा है राखी, बचपन की यादों का चित्रहार है राखी, एकता का पाठ पढ़ाती है राखी, हर घर में खुशियों का उपहार है राखी, भाई बहन परस्पर एक विश्वास है राखी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दक्ष अवत्रा मानी है, मैं कक्षा पांच अ में पढ़ता हूँ। तो आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर दीप जलाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, रिश्तों की नई प्रीत निभाए, मन के अंधियारे को हरा कर रोशन जग सारा कर पाए, अपना पराया ऊंचा नीचा, निंदा नफरत क्रोध और ईर्ष्या, द्वेष के तम को दूर भगाए, आओ मिलकर दीप जलाए, पुरुषार्थ का ये पर्व मनाए, दिव्यार्थ की ये ज्योत पुराए, धनतेरस से भाई दूज तक मंगल आशीष प्रार्थनाएं और ढेरों शुभकामनाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आशा हर्ष उमंग उल्लास से भाईचारे का यह उत्सव मनाएं, मिठाई और उपहार बांटकर मिठास उपजाएं, खुशियां बरसाएं, राम के अयोध्या आगमन पर धरती के दानी आचमन पर फूल दीप रंगोली सजाकर पूजन श्रृंगार लक्ष्मी गणेश का कर, जग मंगल कामना के गीत गाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, प्रदूषण केवल न हो पटाखों का, भावनाओं का भी ना होने पाए, आओ ये संदेश फैलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। धन्यवाद।
सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शिका जोरी तड्डी दोस्त तड्डे नाल लाई है वैसाखी विच कविता। मैं कक्षा चतुर्थ सम की छात्रा हूँ। मैं भारतीय विद्या भवन से विद्या आश्रम प्रताप नगर जयपुर में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको वैसाखी के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। वैसाखी पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार है। इन्हें फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। आओ जी आओ गिद्धा पप, आओ जी आओ गिद्धा पप, आई वैसाखी भंगड़ा पप, आई वैसाखी भंगड़ा पप, रवि फसल की खुशियां मना, उठो सुबह गुरुद्वारे जा, गुरु उधर पर अरदास लगा, मीठा केड़ा प्रसाद बना, गुरु लंगर का भोग लगा, कर सेवा तुम पुण्य कमा, पंच प्यारों के शब्द सुनो, मिलजुल कर तुम जश्न बनाओ। ओ बल्ले ओ बल्ले ओ शाबा ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा ओ बल्ले ओ शाबा, आओ जी सब गिद्धा पाओ, आओ जी सब गिद्धा पाओ, आई वैसाखी भंगड़ा पाओ, आई वैसाखी भंगड़ा पाओ, खेतों में हरियाली लाओ, खेतों में हरियाली लाओ, सबके घर खुशियाली लाओ, सबके घर खुशियाली लाओ, झूमो गाओ मौज बना, आई वैसाखी गिद्धा पाओ, आई वैसाखी गिद्धा पाओ, आई वैसाखी भंगड़ा पाओ, आई वैसाखी भंगड़ा पाओ, ए हड़िप्पा धन्यवाद। आज मैं आपको रक्षाबंधन पर कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है भाई बहन का प्यार। प्यारे रिश्तों की बगिया में ये रिश्ता अलग ही मुस्कुराता है, भाई बहन का पावन नाता आँखों को खूब लुभाता है, दिखे जगत में पावनता का हर पैमाना छोटा पड़ जाता है, राखी के धागे में आकर सारा बचपन छिप जाता है, प्यारे रिश्तों की बगिया में ये रिश्ता अलग ही मुस्कुराता है, ये एक रिश्ता ऐसा है जो कभी उम्र नहीं खोता है, हंसता खेलता दौर बचपन का कभी बड़ा नहीं होता है, प्यारे रिश्तों की बगिया में ये रिश्ता अलग ही मुस्कुराता है, खुद से बढ़कर भाई हमेशा बहन के लिए चाहत रखता है, चोट लगे जरा भाई को तो दर्द बहन को होता है, भाई बहन का प्यार जगत में सबसे प्यारा नाता है, प्यारे रिश्तों की बगिया में ये रिश्ता अलग ही मुस्कुराता है, धन्यवाद आप। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव सिंह शेखावत है, मैं कक्षा पंचम स का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को त्योहारों पर एक सुंदर व अद्भुत कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है त्योहारों का देश हमारा। त्योहारों का देश हमारा, हमको इनसे प्यार है, भरी हुई इन त्योहारों में मित्रों खुशी अपार है, आता है हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपक फुलझड़ियां खील बताशे हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इनसे प्यार है, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर व सेवैया सबके मन को भाती है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इनसे प्यार है, होली में सब मिलकर रंग व गुलाल लगाते हैं, ठंडाई और मिठाई सबके मन को ललचाते हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इनसे प्यार है, 25 दिसंबर को क्रिसमस आया है, हरे भरे क्रिसमस ट्री को सबने सुंदर सजाया है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इनसे प्यार है, कर देते ये घर आंगन में खुशियों की बौछार है, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जैस्मिन लोहान है, मैं कक्षा चौथी बो में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है देखो देखो होली आई, देखो देखो होली आई, कितनी सारी खुशियाँ लाई, होली का अनोखा त्योहार लाता खुशियों की भरमार, मौसम नीली है अंगड़ाई,
मिलकर नाचे गाए, एक दूजे को रंग लगाए, बच्चों ने भी अपनी पिचकारी खूब चलाई। देखो देखो होली आई, चारों ओर अबीर गुलाल, रंगीन घटा है छाई, गिले शिकवे मिटा के सब गले मिल है भाई। देखो देखो होली आई, आओ हम सब मिलकर भाई की होली जलाएं, मत फैला को यहाँ पर हम अपन धूम लगाए। यह बात दादा जी सबको समझाई, देखो देखो होली आई, कितनी सारी खुशियाँ लाई। धन्यवाद। नमस्कार मैम, मेरा नाम तन्वा विदुरी है, मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है 15 अगस्त का त्यौहार। युग युग की शांति अहिंसा की लेकर प्रयोग गरीब मस्त इतिहास नया लिखने आया, यह पुण्य पर्व 15 अगस्त। 15 अगस्त त्यौहार राष्ट्र की चिर संचित अरमानों का, 15 अगस्त त्यौहार राष्ट्र की मूफ मूफ बलिदानों का, जो पैगंबर तक दलित देश का शीश उठाने आया था, आजन फकीरी ले जिसने घर का अलग जगाया था, भूमंडल में जिस किसानी का मनुज नहीं जन्मा रूजा, मेरे कृतज्ञ भारत तुमने गोली से जिसकी की पूजा, लज्जित हो तो उसके सपनों संकल्पों को आबाद करो, यह दिन जो लाया अपने नंगे फकीर को याद करो। हमने जो सपने देखे यह उस आज़ादी का वेश नहीं, देखो इस उजली खादी में कोई कालिक तो शेष नहीं, जो चले गए अनुरोए अनगार संध्या पर बली हो, आंसू से अपनी अंजलि भर आओ उनको श्रद्धांजलि दो। रण है दरिद्रता दैन्य निपीड़न बेकारी बेहाली से, रण है अकाल भुखमरी विवस्था तन मन की कंगाली से, रण है जाति धर्म का विषीमन करने वाले नारों से, रण शांति प्रेम के विद्वेषी मानवता के हत्यारों से, रण है जाति। नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, जिसका विषय है इंडिपेंडेंस डे। हम तो आज़ाद हुए थे लड़कर, पर आज़ादी के बाद भी लड़ रहे हैं। पहले अंग्रेज़ों से लड़ते थे और अब अपनों से लड़ते हैं। आज़ादी से पहले आँखों में कितने ख्वाब सजा के रखे थे, पर अब वो ख्वाब ख्वाब ही रह गए। अब तो ये अंग्रेजी राज और इस राज में फ़र्क ना लगे, अब वह स्थिति बदतर हो चुकी है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वल चंदेवा है, मैं कक्षा 5 ब का छात्र हूँ। आज मैं आपको रक्षाबंधन पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूल न समाई, रखी रोली और मिठाई इन सबसे थाली खूब सजाई, बांधे भाई की कलाई में धागा, भाई से लेती है वादा, रखी किलाज भैया निभाना, बहन को कभी भूल न जाना, भाई देगा बहन को वचन, दुख उसके कर लेगा हरण, भाई बहन का प्यार है त्योहार राखी का न्यारा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हर्ष शर्मा क्लास 5 अ का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम है हर सावन में आती राखी। हर सावन में आती राखी, बहना से मिलाती राखी, चांद सितारों सी चमकीली कलाई को कर जाती राखी, जो भूले से भी ना भूले मन भावन से लाती राखी, अटूट प्रेम का भाव धागे से हर घर में बिखराती राखी, सारे जग की मूल्यवान चीजों से बढ़कर भाती राखी, सदा बहन की रक्षा करना भाई को बतलाती राखी, प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता है भाई बहन का प्यार। इस कविता के लेखक हैं श्री हरजोत सिंह।